नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब बत्तख फार्म वाले का जो है बाजार से फीड लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे बच्चे फीड के ऊपर बढ़ता है स्टार्टर के ऊपर में, वैसे ही बच्चे जो है आपको अपने फीड पर जो होता है, जो अपना आप बनाइएगा उस पर भी जो है वो बढ़ेगा। वैसे ही आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, बच्चे मरेगा नहीं जल्दी। वैसे तो अगर कुदरती मौत है तो आप कुछ उसको कर नहीं सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं मरेगा आपको। तो देखिए, ये जो है इसमें हम क्या क्या सब चीज़ मिला रखे हैं। इसमें सिर्फ गेहूं का दर्रा है, ये 10 किलो गेहूं का दर्रा है, जो उसको पिसा हुआ होता है वो है, थोड़ा सा मोटा करके पिसवाए हैं। और इसमें जो है 1 किलो बेसन है मिला हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 10 किलो में 10 किलो गेहूं का दर्रा है, आप चाहें तो मक्का का भी ले सकते हैं। और इसमें 1 किलो बेसन है जो दाल का पिसा हुआ होता है, और 200 ग्राम जो है नमक है, और इसमें जो है करीब 50 ग्राम के आसपास जो है हल्दी पाउडर है जो एंटीबायोटिक होता है, और इसमें नमक भी है डला हुआ। तो ये सब डला हुआ है आपको। और उसके बाद जो है ये अंडा जो है बत्तख का ही है, यही हम तोड़ के देते हैं, बहुत अच्छा होता है विटामिन के लिए। और ये जो है बेसन, वो भी हाँ, थोड़ा सा अटपटांग जरूर लगता होगा आपको कि बत्तख का अंडा और बत्तख को ही दिया जाता है बच्चे को। तो देखिए, अगर कंप्रोमाइज अगर आप नहीं कर पाइएगा तो ये जो है आप फायदा नहीं ले पाइएगा, क्योंकि फीड वाले जो है बहुत काफ़ी जो है रुपए बढ़ा दिया है फीड के ऊपर में। तो आप सस्ता में जो है फीड बना सकते हैं और बहुत अच्छा बढ़ेगा आपका, वह गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे उस फीड पर बढ़ता है वैसे ही इस पर भी बढ़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जहाँ तक रहा कि हल्दी पाउडर का, तो वह भी एंटीबायोटिक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाला है, बीमार भी नहीं पड़ेगा बत्तख के बच्चे। और आप चाहें तो मुर्गी पर भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब बाकी रहा कि आपका ये अंडा जो है वह कैसे यूज कीजिएगा, तो गिलास में इसको जो है तोड़ के एक बार, जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे को आप दे रहे हैं या 50 बच्चे को दे रहे हैं, तो एक अंडा तोड़ के गिलास में रख लीजिए और उसको जो है ये दाना में मिला लीजिए उसी टाइम में, और आप जो है वहाँ पर पानी में डाल के इसको बत्तख के बच्चे को दे सकते हैं। और आप चाहें तो मुर्गी के भी बच्चे को आप दे सकते हैं। आप थोड़ा सा सुखा लीजिएगा इसको, अंडा पहले तोड़ के उसमें डाल लीजिए, और उसके बाद जो है 10 किलो में ये लेके चलिए कि लगभग 10 अंडे जो है आप डाल सकते हैं, बत्तख का मिल जाए या पोल्ट्री वाले मिल जाए। तो वो अंडा इसको तोड़ के और उसमें अच्छा तरह से मिला लीजिए और इसको सुखा लीजिएगा। और अगर बत्तख के बच्चे को दे रहे हैं तो उसको तो गीला ही करके देना होता है, तो उसी टाइम में तोड़ के और उसमें जो है मिक्स कर ले के करके आप उसको जो है दे सकते हैं। अब चलिए हम दिखाते हैं कि कैसे ये बत्तख के बच्चे खा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें अंडा मिला हुआ है। तो आप इस तरीके से जो है वो अंडा मिला के, और इसमें हल्दी पाउडर भी मिला हुआ है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, नमक है और गेहूँ का दर्रा है। आप गेहूँ और मक्का दोनों मिक्स करके भी दर्रा करवा सकते हैं, या नहीं तो गेहूँ या तो मक्का, दोनों में से कोई भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप दीजिएगा तो बत्तख के बच्चे बिल्कुल नहीं मरेगा। हाँ, आप अगर मुर्गी का पालना चाहते हैं, इसको देना चाहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को भी आप दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही होगा कि आपको जैसे अंडा तोड़ के उसमें सूखा में मिला के आपको धूप में जो है सुखाना पड़ेगा, बस यही दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बत्तख के बच्चे को दे रहे हैं तो वो तो पानी में ही गीला हो के खाता है, तो आप ऐसे गीला करके आप दे सकते हैं।
मैं सिर्फ इसी पर चलाता हूँ और यह सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वह देने वाला ये फीड है। और यह देख लीजिए, ये छोटे बच्चे, और इसको भी वही दे रखा हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि 60 रुपये किलो जो है हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए बत्तख का रेट तो वहीं पर है, बत्तख के बच्चे का भी रेट जो है वह वहीं पर है। वह तो बढ़ा नहीं है, लेकिन फीड का रेट जो है वह बढ़ा दिया है 20 रुपये ज़्यादा करके। तो 60 रुपये किलो अगर आप खिला रहे हैं और फिर बत्तख बेचिएगा आप, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अपना जो है वह फीड बनाइए और आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा आपको। और बार बार जो है आप क्यों जाइएगा बाजार, बार बार बाजार जाइए, इकट्ठा इतना रुपये लग जाएगा आपको, तो इससे परेशान हो जाइएगा। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। बाकी यह देख लीजिए, बिल्कुल स्वस्थ बच्चे, और इससे बड़ा बच्चे है, ये थोड़ा सा आज कम है क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे जो है वह बिक गया है, लगभग 50 पीस जो है वह बिक गया है, इसलिए थोड़ा सा कम है। बाकी सिर्फ यही हम दे रखे हैं। आज आज तक जो मैंने फीड का जो मैंने दिया हूँ आपको वीडियो, वो तो टाइम पास था, लेकिन यह टाइम पास नहीं है बिल्कुल। आप इसके ऊपर निर्भर हो सकते हैं और बत्तख के बच्चे को बड़ा भी कीजिएगा, और आपके पास में जो है अंडा भी देगा ये बत्तख के बच्चे बड़ा होके, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इसमें। ये हमारा जो है 2 हफ्ते का अनुभव है, बिल्कुल ये स्वस्थ है, कोई बच्चे जो है वो 2 हफ्ता के अंदर में नहीं मरा है, उससे पहले मरा था 1 हफ्ता में। तो मैंने ऐसे परीक्षण किया हूँ इसका, तो आप भी जो है इसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप बत्तख लाइन से बाहर न जाएं, बत्तख लाइन के अंदर ही रहें, तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगा। बाकी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आएगा तो मैं फ़ोन नंबर तो वैसे मैं सारे वीडियो में दे रखा हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप इस वीडियो में भी रहेगा फ़ोन नंबर मेरा, तो उससे फ़ोन भी कर सकते हैं आप। और अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर हैं तो आप जो है कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा उसी पर, अगर समझ में नहीं आता है आपको तो। लेकिन यह सबसे बेस्ट है फीड जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसके ऊपर में निर्भर हो सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ईश्वर करे आपको खुश रखे। जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यह चैनल के ऊपर में कोई भी फेक वीडियो मैं नहीं डालता हूँ, बिल्कुल चेक करके हम डालते हैं। धन्यवाद।